गाजीपुर में कोरोना संक्रमण को लेकर एक खबर सामने आ रही है। जिले के एक ही गांव में कोरोना वायरस से संक्रमित 14 नए मरीज मिले हैं। इस सूचना के बाद गाजीपुर में लोग सशंकित हो उठे हैं। रविवार दोपहर तक मिले रिजल्ट के मुताबिक गाजीपुर में कोरोना संक्रमण के 19 नए मरीज मिले हैं, जिसके बाद अब गाजीपुर में कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 122 हो गई है, जबकि एक्टिव केसेस की संख्या 88 हो गई है। इन 19 में से 5 को निकाल दें तो बाकी 14 एक ही गांव के हैं। आइए आपको बताते हैं कि गाजीपुर के किस गांव में इतने मरीज मिले हैं। गाजीपुर के कासिमाबाद में स्थित सुरवत नसीरपुर गांव में एक ही बार में 14 मरीज मिलने से लोगों के अंदर भय व्याप्त हो गया है। इन मरीजों के सैंपल 27 मई को टेस्ट के लिए लिए गए थे। IMSBHU से टेस्ट के परिणाम रविवार यानी 31 मई को सामने आए हैं। बाकी के 5 मरीजों में से एक सैचनपुर जमानिया, एक बुबहापुर देवकली और एक देवकली गाजीपुर से हैं। इसके अलावा 2 मरीज आगापुर बिरनो थाना मनिहारी गाजीपुर के रहने वाले हैं। 23 मई को इनका सैंपल टेस्ट के लिए लिया गया था। देश भर में कोरोना संक्रमण की डराने वाली खबरों के बीच कुछ अच्छी जानकारियां भी निकलकर सामने आई हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान कुल 11,264 COVID-19 मरीज ठीक हुए हैं। यह एक दिन में ठीक होने वाले मरीजों की सबसे अधिक संख्या है। इस प्रकार अब तक कुल 82,369 मरीज कोरोना संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। रोगियों के ठीक होने की दर 47.40% हो गई है। पिछले दिन के ठीक होने की दर 42.89 की तुलना में 4.51% की वृद्धि हुई है। देश भर में ठीक होने वाले रोगियों की अधिक संख्या के कारण सक्रिय रोगियों की संख्या भी 29 मई को 89,987 से घटकर वर्तमान में 86,422 रह गई है। सभी सक्रिय मामले गहन चिकित्सा देखरेख में हैं। भारत सरकार ने कहा है कि COVID-19 के साथ रहते हुए सभी सावधानी बरतनी चाहिए। सार्वजनिक स्थानों और कार्यस्थलों पर एक दूसरे से दूरी बनाए रखने के सभी दिशा निर्देशों का पालन किया जाना चाहिए। COVID-19 का प्रबंधन केवल तभी संभव है जब सभी लोग सावधानी बरतेंगे और लापरवाही नहीं होने देंगे। लॉकडाउन में दिए गए छूट में बेपरवाही नहीं होनी चाहिए। गाजीपुर की ऐसी ही खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।